चलो भैया प्लीज जल्दी घर आ जाओ, भैया प्लीज, भैया प्लीज जल्दी घर आ जाओ, मैं आपको सब कर रहा हूँ कि भैया। लक्ष्य, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, आई एम इन रिलेशन विद सागर एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट, और ये जितना जल्दी हो सके तुम अपने दिमाग में डाल। लेकिन इशिता हुआ क्या है? स्टॉप इट अक्षय, आई एम लीविंग, बाय। इशिता, इशिता इशिता, क्या अबे क्या हो रहा है ये? इशिता अबे खोल यार तेरी। इशिता क्या क्या कौन है सामने? कौन कौन क्या है यार? अबे कौन है यार? स्नेहा अबे क्या चालो यार, प्लीज खोलना यार, प्लीज यार खोलो यार, खोल यार प्लीज। बड़ी जल्दी है मुझसे मिलने की। सरप्राइज। अबे 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 विक्रम, अबे तू कर रहा है क्या ये सब? अबे तू और श्रेया तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी मैं बहन छू? ऐसी क्या मजबूरी थी मैं मेरी बहन को मार दिया तूने? मारा नहीं, मारना पड़ा। मेरे रास्ते में कांटा बन रही थी वो। इतना समझाया था तेरी बहन को कि मेरे काम के इसमें मत आ, पर नहीं, तेरी बहन तो सुनना ही नहीं है। कौन सा काम? मेरे बदले के बीच में आ रही थी। कैसा बदला? कौन बदला? क्या यार? ए सागर, एक काम कर, तू तेरा चिल्ला ले, फिर मैं बोलता हूँ। क्या बदला? मेरी माँ का बदला, मेरे बाप का बदला, मेरे भाई का बदला, उनकी मौत का बदला। दुख होता होगा ना ऐसे अपनी बहन को बेवजह खोकर? मैंने भी खोया है, मैंने अपना परिवार खोया है। मुझे भी पता है किसी को खोने के बाद कैसा लगता है। बात करता है 15 साल पहले मैंने भी अपने परिवार को खोया, सिर्फ उस एक इंसान की वजह से। कौन?
शायद। 15 साल पहले शाहिद नाम के एक स्लीपर सेल को एक कॉलेज में बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहा गया था, पर एंड वक्त पे उसके अंदर इंसानियत जाग गई और उसने अपने आंखों को ही निशाना बना दिया और उसने उसी फैक्ट्री में बॉम्ब लगा दिया जहां पर उसके आका थे। शाहिद ने उस फैक्ट्री में बॉम्ब तो लगा दिया बिना परवाह किए कि वहां पर बाकी मजदूर भी तो थे। वो फैक्ट्री एक क्राफ्ट की थी और वहां पर सिर्फ 2 आतंकवादी थे और बाकी लोग तो रोज की तरह अपना काम ही कर रहे थे। मेरे बाबा और भाई उसी फैक्ट्री में काम करते थे। उस दिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं जो जिंदगी भर भरते नहीं। शाहिद ने वो बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद अपने आप को सरेंडर तो कर लिया, पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर दर्द का इलाज हो। शाहिद ने कानून की सजा तो भुगत ली, पर मेरी एक पल में उसने मुझे अनाथ कर दिया। ये जो तेरी हालत है ना, वो तेरी बहन के वैसे हुई है। हाँ, शायद आज जेल से छूट रहा है, उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब क्या है विक्रम? श्रेया मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है विक्रम, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो ये सब तुम विक्रम? कभी सोचा है हमारे बारे में तुमने? क्या हमारे बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी ये सारी हरकतें सबको बता दूंगी विक्रम, बंद करो। क्या बताएगी? बंद करो ये सब विक्रम, मैं कह रही हूं बंद करो। क्या बताएगी विक्रम? श्रेया से कोई तकलीफ नहीं थी मुझे, पर जबकि उसको सब मालूम पड़ ही गया था तो मुझे ये करना पड़ा। जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं और उन मौकों का फायदा उठाना चाहिए। तो अब शायद को मैं नहीं तू मारेगा। कल तक मैं ही मारने वाला था और किसी को शक तक नहीं बैठता, पर जैसे कि श्रेया को सब कुछ पता चल ही गया था मेरे प्लान के बारे में, तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। पूरा खेल बिगड़ चुका था, इसीलिए अब मैं नहीं तू मारेगा शाहिद को। नहीं, मैं शाहिद को नहीं मार रहा। मैं राजन, नहीं मारेगा? मत मार, कोई बात नहीं, फिर ये गई। अब मारेगा? हाँ मार। नहीं, ईशिता को कुछ मत कर यार। नहीं
मैं करता हूँ, मैं सब करता हूँ। नहीं सागर ये मत करो, नहीं। अरे लव बर्ड क्या चल रहा है? अगर मैं अपनी बंदी को मार सकता हूँ तो ये कौन है? इसे मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो सागर मेरे भाई, तुझे बस शाहिद को मारना है और मेरे बंदे की नजर होगी तुझ पे, तो कोई चालाक ही नहीं। और जैसे ही तू पहुंचता है शाहिद के पास, तो मेरा बंदा तेरी मदद करेगा उसे मारने के लिए। और याद रखना, चालाकी बिल्कुल नहीं, वरना तुझे पता है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? तुझे क्या लगा मैंने अपने बंदे राजन को सागर के पीछे क्यों भेजा है? उस पर नजर रखने के लिए? वो जैसे शाहिद को मार देगा वो भी वहीं पर खत्म हो जाएगा और मैं तुझे मार दूंगा। बस अब तो एक बात का होगा कि वो कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बस यूं ही मुझे एक खून छुपाने के लिए और 3 खून करने पड़े। अक्षय तुम कैसे है? तुम यहाँ कैसे है? वो सब छोड़ो, मैं आ गया हूँ ना।